ये बात है करीब 4 साल पुरानी, मेरी मोहब्बत की थी थोड़ी अजीब सी कहानी। देखते ही उसे उसके ख्यालों में मैं खो गया था। हर रोज उसे मिलने की आदत, शायद प्यार मुझे हो गया था। जब पहली बार बात होगी उससे तो क्या होगा, ये सोच कर मैं डरता था। क्या मैं अच्छा दिखता भी हूँ, खुद से ये सवाल मैं करता था। दिन गुजरे, रातें बीती और मुलाकात की घड़ी आई। बहुत मुश्किल से मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। अगली बार बात कब होगी ये डिसाइड नहीं हो पाया था, लेकिन इंतज़ार का मज़ा क्या होता है ये उस दिन मुझे समझ में आया था। बहुत कम अटेंडेंस वाला मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा था और शायद कभी तो मांगेगी मुझसे वो, इसी उम्मीद में किताबें सारी लाने लगा था। बातचीत को दोस्ती तक आते आते 1 साल लग गया था, लेकिन इस बार तो बोल ही दूंगा अपने दिल की बात। दिल में ये प्यार जग गया था, लेकिन डर था कि अगर मना कर दिया उसने तो दोस्ती भी टूट जाएगी और शायद वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बस इसी डर ने दोस्ती को प्यार में होने ना दिया और एक दिन मिल जाएगी वो मुझे, उस उम्मीद ने मुझे कभी रोने ना दिया। दोस्त बनकर ही सही वो मेरे साथ तो होती थी, प्यार वाला ना सही तो क्या, कम से कम उससे मेरी बात तो होती थी। एक तरफा वाला प्यार था मेरा, मैं दोस्त बनके भी रह सकता था। मेरे साथ है मेरी मोहब्बत, कम से कम मैं ये खुद से तो कह सकता था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इतना भी बुरा आएगा, मेरी आंखों के सामने मुझसे कोई और उसे चुरा ले जाएगा। इतनी मुद्दत से खड़ा किया था जो प्यार वाला महल, एक झटके में उसे कोई और धूल कर जाएगा। अब मैं उसे बेवफा बोलूं या खुद को पागल, मेरी रोज खुद से यही बात होती है। और एक बात बताऊं, हर रात के पहले ख्याल में आज भी मेरी उससे मुलाकात होती है। होता है हर कहानी का कोई ना कोई नाम, होता है हर कहानी का कोई ना कोई नाम, पर इस बार नहीं, क्योंकि दो लफ्ज़ में सिमट जाए मेरी मोहब्बत, इतना छोटा वाला मेरा प्यार नहीं।